दोस्तों आज महान हास्य कलाकार, एक्टर, ह्यूमैनिटेरियन उमर शरीफ साहब के इंतकाल के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत मन उदास हुआ। ऐसी बहुत सारी कम शख्सियतें हैं जो दुनिया में सिर्फ हंसी और खुशी बिखेरते हैं, उनमें से एक उमर शरीफ साहब थे। मेरी मुलाकात बहुत साल पहले उनसे लंदन में हुई थी और बहुत अच्छा लगा था मुझे उनसे मिलकर। बहुत ही गर्मजोशी से मिलते थे, बहुत ही उनसे कुछ सीखने को मिला टाइमिंग के बारे में, कॉमेडी के बारे में। मेरी कंडोलेंसेस उनके सारे फैंस के लिए दुनिया भर में जो उनके फैंस हैं और उनके परिवार के लोगों के लिए। मैं ऊपर उमर शरीफ जो कॉमेडी किंग हैं, जो बादशाह हैं बेताज कॉमेडी के, वो हमारे बीच नहीं रहे, आपके तासुरात जानना चाहेंगे। जी, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के लिए और स्टेज शोज के लिए। उन्होंने जो एक्सपेक्ट करते थे कि उमर शरीफ आ जाने वाले हैं, क्या बोलेंगे, और वो लोगों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर बोल जाते थे, ये उमर शरीफ थे। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कॉमेडियंस में बहुत कम लोग होते हैं जिनमें उमर शरीफ है। उमर शरीफ अपनी एक अलग ही गिफ्ट थे और अमेजिंग गिफ्ट गॉड की तरफ से। ये वो बनकर थे जिसके बारे में हर बंदा, हर आर्टिस्ट, ऑडियंस सभी सोचते हैं कि यार ये कैसा आदमी है, क्या आर्टिस्ट है यार, ये कैसे बोलता है, कहाँ से बोलता है, कैसे अल्फाज कहाँ से लाता है, ये लाइंस कहाँ से आते हैं, इनके दिमाग में ये बातें कैसे, ये सोचता कैसे है। तो ये चीजें हैं, मैंने खुद उनसे पूछा तो बोलते भाई पता नहीं, मेरे को खुद को भी मालूम है यार, ये निकल के आते मोबाइल शुरू हो जाता तो ऑटोमेटिक चीजें निकल आती हैं। तो ये वो आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट बहुत कम, मतलब ये सालों में, वर्षों में, कहते हैं क्या बोलते हैं, 200, 300, 500 साल में एक कलाकार पैदा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनमें से थे ये फनकार। बिल्कुल, जॉन ऑलिवर साहब, आपका आखिरी रब्ता, आपकी आखिरी दफा कब बात हुई थी? मेरी अभी कुछ 6-7 महीने पहले मेरी बात हुई थी, और उसके पहले 2 साल पहले, डेढ़ साल पहले, पेंडेमिक के पहले हम लोग साथ में शो करने वाले थे अमेरिका में, उमर शरीफ जॉन ऑलिवर नाइट, जॉन ऑलिवर उमर शरीफ नाइट, तो हम लोग वो करने वाले थे, लेकिन वो उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं हो पाया जी। और ऑर्गेनाइजर जरा पीछे हट गया, वरना हम लोग दोनों साथ में शो करने वाले थे। मेरी बात होती रही थी, हाँ यार जॉनी भाई चलो करते हैं, जॉनी साथ में शो करेंगे, मजा आएगा यार।